अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज हर किसी ने योग का अभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में 35,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया तो सेना के जवान 20,000 की फीट पर योग करते नजर आए। मोदी सरकार की तरफ से देश के कोने कोने में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन इस बीच हरियाणा के रोहतक में एक अजीब नजारा देखने को मिला। हरियाणा के रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने योग किया। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, लोग मैदान में बिछी योगा मैट उठाकर भागने लगे। लोगों के बीच लड़ाई झगड़े की नौबत तक आ गई। किसी किसी के हाथ में दो दो मैट दिखाई पड़े। जब आयोजकों ने उन्हें मैट ले जाने से रोकने की कोशिश की तो झगड़ा बढ़ गया। कार्यक्रम खत्म होते ही चटाई की लूट मच गई थी। लोग एक दूसरे से हाथापाई करते दिखे। ऐसा लगा कि जैसे लोगों का पूरा ध्यान मैट पर ही था। रोहतक में योग के कार्यक्रम को लेकर खास तैयारी की गई थी। हजारों लोगों के लिए चटाई बिछाई गई थी। योग का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अचानक भगदड़ मच गई। मैदान में गुलाबी नीली रंग की चटाई बिछी हुई थी। हर कोई अपनी चटाई लेकर भागने लगा। ये तो थी चटाई की लूट। वहीं आपको ये भी बता दें कि जहां पर योग की तैयारियां जोरों पर थी तो वहीं प्रशासन की एक बड़ी अनदेखी भी नजर आई। प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही नजर आई कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जानमाल को नुकसान भी हो सकता था। आपको एक वीडियो हम दिखा रहे हैं जो इस लापरवाही की पोल खोलती नजर आ रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं जहां से सब लोग गुजर रहे हैं उसी रास्ते पर शिविर का ढक्कन नहीं लगा हुआ है, जो कोई भी अनहोनी को न्योता दे रहा था। वो तो गनीमत रही कि कोई भी हादसा नहीं हुआ। इतने इंतजाम किए जाने के बाद भी ये इतनी बड़ी लापरवाही का होना कहीं ना कहीं प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता नजर आ रहा है।